बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम सब भी ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज का दिन बहुत अच्छा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप आज आप बना रहे हैं चने की दाल और गोश्त, तो मैंने गोश्त ऊपर चढ़ा दिया हुआ है, उसमें मैंने कोई 3 अदद प्याज काटने हैं, लहसुन अदरक काट के डाल दूंगी ताकि गोश्त गल जाए। क्योंकि मैंने छोटी छोटी बोटियाँ तरक्की कराई हैं कि क्योंकि दाल है ना, चलो कि दाल में डालना है तो अच्छा लगता है, बड़े भी नहीं अच्छा लगता। फिर हम अदरक लहसुन इसको कर लेंगे। आज का दिन आपका कैसा गुजरा, क्या किया आप लोगों ने? जी आज हमने, क्योंकि कल संडे था तो हमने कपड़े नहीं धोए थे, कपड़े नहीं धो पाए, तो आज का दिन हमने आज सुबह सवेरे सवेरे कपड़े धोने शुरू हो गए, कपड़े वगैरह धो दिला लिए। आज का दिन हमारी तो ये मसरूफियत रही, आपकी क्या मसरूफियत रही? बच्चे आज खैर से कामों पर गए हुए हैं, आगे का हफ्ता स्टार्ट हो चुका है, तो ये हफ्ता फिर हफ्ते वाले हफ्ता तो मसरूफ गुजरता है, काम 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 बस काम। ये बना रहे हैं, आपका कैसे गुजर रहा है दिन? पहला मैंने लहसुन अदरक का पीस के, लहसुन अदरक छील लिया है तो उसको अब पीस लूँगी, पीस के भी थी सूखा धनिया भी मैंने डाल दिया है, कोई भी नहीं होते क्योंकि मैं साबुत धनिया पिसा हुआ धनिया में इस्तेमाल करती हूँ, दानेदार ले आते हैं तो फिर हम इसको मिसाले के साथ पीस लेते हैं। इसको अच्छे से पीस के तो उसको डालेंगे बीच में ताकि ये भी गोश्त के साथ पक जाए। आपका क्या तरीका है दाल गोश्त बनाने का, वो आप शेयर किया करें हमारे साथ। हमारा तो ये तरीका है, सादा सा सादा तरीका। लोगों के मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीके होते हैं अपने अपने। मैं पीस के डाल दिया है, अब इसके अंदर 3 अदद टमाटर डालेंगे, ये सब चीज़ें इसके साथ ही गोश्त के साथ गल जाएंगी। अम्मी अगर सवाल आवे चले के अंदर कोई 2 से 4 मिर्चें भी काट लेते हैं। दो से 3-4 मिर्चें के अंदर अब इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। देर से चढ़ाया है गोश्त के ऊपर, तो मैं अपनी हसबी ज़रूरत डाल रही हूँ। अब अच्छे से भून लेंगे, तो बहुत छोटे छोटे पीस हैं ना गोश्त के, तो काफ़ी हद तक ये गल गए हैं और कुछ ये दाल में गल जाएंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच
बड़ा मिर्च, इसका दड़ा मिर्च का स्वाद ज़रा अच्छा आ जाता है। हड्डी जो है हमारी डब्बे में से ख़त्म हो गई है, थोड़ा सा डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, नमक पहले मैंने डाला था, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। पिसा हुआ गरम मसाला डाला, आज साबुत मसाला मैंने नहीं डाला। आज साबुत मसाला नहीं डाला इसलिए पिसा हुआ गरम मसाला डाला। इसको अच्छे से भून लेंगे, ये इसमें फिर दाल डाल के दाल को भी साथ दाल को भूनेंगे, तो नहीं दाल को भी फिर पकाने के लिए बहुत तरह भूनेंगे। अभी इसका पानी ख़त्म होता है तो उसको फिर अच्छे से भूनेंगे ताकि इसकी जो जायका है इसका गोश्त का वो उसके बीच में अच्छा सा आ जाए। जब तक अच्छे से हांडी भुनेगी नहीं तो उसका मज़ा नहीं आता। ये एक अम्मी कहती थी कि हांडी अच्छे से भूनो, जितनी भी आप हांडी भूनोगे उसका मज़ा उतना ही दुबाला हो जाएगा। ज़्यादा लंबा ब्लॉग हम नहीं बनाते क्योंकि मेरा यही एरिया था, इसके साथ साथ मैं बना लेती हूँ काम के टाइम का जो बना रही होती हूँ तो वही आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। हमारा ये रेस्ट जो है बहुत कमरा जो हमारा है वो बहुत छोटा है तो उसमें हम इसलिए नहीं आपको दिखाते नहीं जाते हम उस साइड पे, तो इसलिए मैंने ऊपर यहाँ पे चूल्हे की अपने किचन का बंदोबस्त किया तो हम इधर शिफ्ट हुए। अच्छा लगता है अपनी जगह पे बनाते हुए, जैसे हम जैसे इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे मदद फरमाएंगे तो जैसे हम बड़ा घर कोई मतलब किराए का मकान लेंगे तो तब हम इंशाल्लाह खुली किचन खुला जगह पे बनाया करेंगे। अभी फ़िलहाल आप हमें इधर ही शेयर करें और कमेंट किया करें और सब्सक्राइब करें। उसको अच्छे से भून लेते हैं, जब इसको थोड़ा सा भून के तो फिर इसमें मैं दाल डाल दूंगी। तो अब ये गोश्त भून लीजिए, इतना मैंने इसको भून लिया है कि ये अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी दाल। दाल को मैंने अच्छे से धो के तो बॉईल किया था, इसका जो पानी है वो ज़ाया नहीं करूँगी, इसके साथ ही डालूंगी। दाल बचानी है, ये थोड़ी सी दाल बचानी है, दाल की बचानी चाहिए। चलेंगे ये हो गई हमारी दाल, दाल और गोश्त। इंजॉयमेंट है जी जी। गोशी आ जाए चाय पी ली, ऋषिक पक्का आ जाए चाय पी ले सब। तो नहीं धुआं जा रहा ऊपर, लाल बह कला व्यक्ति बस कर दो। अब इसको मैंने इतना दाल को मैं पानी इसलिए लगाया कि ये दाल हमें इतनी गलानी है, इतनी गलानी है कि ये बिल्कुल टूट जाए बीच में गोश्त के साथ ना, ये टूट जाएगी।
इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की स्वादिष्ट दाल लगेगी। वैसे मैंने इसको इतना बॉयल किया कि इसमें एक दो कनी है, बाकी ये गली हुई है दाल। ये है जी हमारी दाल की तरी। तो साथ में हम रोटियां बना लेंगे, जब जैसे साथ साथ हांडी तैयार होती जाएगी साथ साथ रोटियां हम बना लेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा ये काम जल्दी से निपट जाएगा। मैं अब काट लेती हूँ थोड़ा सा धनिया काट के रख लेती हूँ, ताकि फिर हमने यहाँ पे रोटियां बनानी है, रोटियों का सामान यहाँ पे फैल जाना है, तो धनिया काट लेती हूँ। गाँव का माहौल आज जी, हमने आग जलाई है, ठंड थी तो गाँव का माहौल बनाया है, गमले में आग जलाई है, अभी गमला फटने वाला है, कब फट जाता पता नहीं। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भ्रामों ते बहनों, की हाल चाल है, खुश हो, तबीयत कैसी है? सारा माहौल ठंडा, तो मैं कह चाय भी नाल अंगीठी भी बखाई है। हमारी अंगीठी देखे, चाइना की अंगीठी लाए हो, गमले में आज लाई है तो ये फट रहा है। तो साथ साथ हम चाय पी रहे हैं और साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं, जरा सा गांव का माहौल बनाया हुआ है, कब गमला फटना है पता नहीं चल रहा है। दुनिया जी आग सेको ऋषि, इनू तो चाय लो, ये पकड़ना मेरी चाय। हमारे ऋषि को बड़ा अजीब लग रहा है, देखो ऋषि ये क्या है। चल बाबा करे, बाबा कर दो उधर ऊपर, बाबा ही फिर करो बाबा। एंजॉयमेंट आया जी जी, गोशी आ जाए चाय पी ली। ऋषि पक्का आ जाओ चाय पी ले सब, तो नहीं धुआं जा रहा ऊपर। हाँ जी सर, हांडी हो गई तैयार, रोटी भी हो गई तैयार, तो इंशाल्लाह टेस्ट कर दें कैसी बनी है, उसके बाद देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है जी, नमक मराज सब कुछ बराबर है, गोश्त भी गल गया, दाल भी अच्छी तरह मैच हो गई सर, हर चीज़ बराबर ज़बरदस्त जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी जनाब बांडी हो गई है तैयार और चेक भी हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो अब जाने का वक्त है। आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट क्या करें, आपके ताबुन की बहुत ज़रूरत है, आप ताबुन क्या करें, हमें आपको ये ताबुन का इंतज़ार रहता है। तो कल क्या बनाना है कल इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।